नमस्कार, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। लास्ट टॉपिक में अपन अपच के बारे में जानकारी ली थी और अपच के बारे में पढ़ा था जो थी साधारण अपच। लेकिन जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो आज है अम्लीय असाधारण अपच, यानी कि एसिडिक इनडाइजेशन। साधारण अपच और असाधारण अपच में फर्क है। इसमें एसिडिक है तो एसिडिक इनडाइजेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ अन्य नाम के बारे में जानकारी लेते हैं, जो सिनोनिम्स हैं उनके बारे में थोड़ा, जिन नाम से इनको अन्य नाम से जाने जाते हैं उन नाम के बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो वो नाम इस प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहला नाम है एसिडोसिस। एसिडोसिस जिस फील्ड में या जो प्रैक्टिशियन होते हैं वो अगर जिस नाम से जाना जाता है इस बीमारी को, तो उसको एसिडोसिस नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका नाम है रूमन ओवरलोड। कोई चीज़ ओवरलोड हो जाती है या अधिक हो जाती है, यानी कि इसमें एसिडिक मामला, जो पीएच है वो अम्लीय ज़्यादा हो गई है, उसके बारे में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रूमन ओवरलोड। तीसरा नाम है रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस। ये तीसरा नाम है जिस सिनोनिम्स है कि रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस। और जो लास्ट है, चौथा नाम है, वो है एक्यूट कार्बोहाइड्रेट एंजोर्जमेंट ऑफ रूमिनेंट्स। तो ये थे कुछ सिनोनिम्स जिसको अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, कि फील्ड में जिस जगह रहते हैं या मेडिकल टर्म्स में इसको इन नामों से भी जाना जाता है। ये थे अम्लीय असाधारण अपच के कुछ सिनोनिम्स के बाद में अब हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज या बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं कि यह किस प्रकार से या क्यों होती है, यानी कि एसिडिक इनडाइजेशन किस हिसाब से या किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है, जब रूमन का पीएच अम्लीय हो जाता है, यानी कि जो रूमन का पीएच है वो 5 या 5 से नीचे या कम हो जाता है, तो पशु खाना पीना कम कर देता है या ऐसा कह सकते हैं कि किसी खाने में रुचि कम हो जाती है, और पशु को सीरियल्स डायरिया यानी कि भयंकर दस्त होने लग जाते हैं, और जो दस्त होती है उसमें स्वीट सोर होती है, उस जैसी गंध यानी बदबू आती है। और दूसरी बात कि पशु कभी कभी ऐसा एसिडिक इंडाइजेशन में ऐसा होता है कि पशु के मुंह से भी जो किया खाया है चारा वो मुंह से भी निकल जाता है या निकलने लग जाता है, तो इस कंडीशन में एसिडिक इंडाइजेशन कहलाती है। तो ये थे इसके बारे में कुछ जानकारी, यानी कि क्या है कि जो सबसे मोटी मोटी बात यह है कि जो रूमन का पीएच है वो मेंटेन होना अति आवश्यक होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें 7 होता है जो होता है उससे कम में अम्लीय होता है और ज़्यादा जो क्षारीय होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो उदासीन है 7 है उससे जो अम्ल जो पीएच की मात्रा है वो नीचे की तरफ आने लग जाती है, यानी कि 5 या 5 से कम हो जाती है, जिससे पशु खाना पीना कम कर देता है, चारा पानी काटना कम कर देता है, और रूमन की मूवमेंट कम हो जाती है, और भयंकर या सीरियस डस्ट डायरिया होने लग जाता है जिसमें स्वीट सोर जैसी बदबू आती है। ये कंडीशन एसिडिक इंडाइजेशन में होती है, जिसकी वजह से पशु इसकी चपेट में आ जाता है। ये थे, और इसमें क्या है कि ऐसी स्थिति को जब पनप जाती है तो अपन एक मेडिकल टर्म्स में इसको रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं, यानी कि रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस अपन इसको इस कंडीशन में कहते हैं। तो ये थे अम्लीय असाधारण अपच का कुछ नॉर्मल जानकारी, जिसमें हमें जानना जरूरी होता है कि एसिडिक इंडाइजेशन होता है क्या है, तो ये इस बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम इसके कारणों पर ध्यान करेंगे कि किन कारणों की वजह से या किन चीज़ों के खाने की वजह से या किसी पीने की वजह से या कुछ ही किसी अन्य कारणों की वजह से ये एसिडिक इंडाइजेशन हुआ है। तो अब इसके कारणों पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो कारण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि तो कारण है, सबसे पहला कारण है पशु को अधिक मात्रा में दाना ग्रेन्स खिला देने की वजह से भी एसिडिक
इंडाइजेशन हो जाते हैं, यानी कि जो जिस पशु को लिमिट मात्रा में जो दाना देते हैं, रेगुलर अपन जो दाना दे रहे हैं उससे ज़्यादा दे देना, इसकी वजह से भी एसिडिक एसिड इंडाइजेशन हो जाता है। जैसे कि गेहूं का चारा, गेहूं का दाने, बरेली का, क्रेन का, कॉर्न का और बेकरी ब्रेड खिलाने की वजह से भी इसमें एसिडिक इंडाइजेशन हो जाता है। साथ में कोई भी अधिक फर्मेंटेशन किया हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी अगर खिला देते हैं तो उसकी वजह से भी साधारण अपच हो जाती है। तो ये थे कुछ नॉर्मली इसके कारण जिनकी वजह से अम्लीय साधारण अपच हुई है। और साथ में हम इसके पैथोजेनेसिस के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से पैथोजेनेसिस हो जाती है या पैथोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि होता क्या है कि जब पशु आहार खिलाते हैं पशु को तब रूमन के माइक्रोफ्लोरस जो है वो 2 से 6 घंटे में बदल जाते हैं। वो किस प्रकार से बदलते हैं माइक्रोफ्लोरस, जो इस प्रकार से हैं कि रूमन में उपस्थित जो स्ट्रेप्टोकोकस बोवाइंस होते हैं उनकी संख्या है वो बढ़ जाती है, यानी रूमन में जो स्ट्रेप्टोकोकस बोवाइन होते हैं वो अपनी जो निर्धारित संख्या है उससे अधिक या बढ़ अधिक हो जाते हैं। जो माइक्रोफ्लोरस 2 से 6 घंटे में बदलते हैं वो इस प्रकार से बदलते हैं। और साथ में रूमन में जो स्ट्रेप्टोबोवाइस है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाकर अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल में बना देते हैं, यानी कि क्या करते हैं जो रूमन के अंदर स्ट्रेप्टोबोवाइस है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाकर जिस कंडीशन या क्वांटिटी में बनाते हैं उससे अधिक क्वांटिटी में लैक्टिक अम्ल बना देते हैं, जिसकी वजह से साधारण अपच हो जाती है। यानी कि जो बैक्टीरिया या जो जीवाणु होते हैं वो जो लैक्टिक अम्ल बनाते हैं उनको फिक्स क्वांटिटी पर न बनाकर उसको अधिक क्वांटिटी में बना देते हैं। साथ ही में क्या होता है अम्ल, इसी अम्ल जो लैक्टिक अम्ल है इसके बढ़ने की वजह से जो रूमन का पीएच है वो 5 से नीचे आ जाता है, यानी कि जो जिस कंडीशन में रूमन का पीएच होता है उसको उसकी कंडीशन से गिरा देते हैं, यानी कि ये लैक्टिक अम्ल होते हैं जो रूमन की पीएच को अम्लीय बना देते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक इंडाइजेशन हो जाती है। और आगे जो बात करते हैं वो है जो है वो इस प्रकार से है कि इसी कंडीशन में जो सेलुलेटिक जीवाणु व परजीवी होते हैं वो पेट के अंदर यानी रूमन के अंदर मर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूमन का जो पीएच है अधिक अम्लीय स्थिति में आ जाता है तथा अम्लीय में आने की वजह से इस बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो ये थे कुछ इसके पैथोजेनेसिस कारण जिसकी वजह से असाधारण अम्लीय असाधारण अपच हुई है वो इस प्रकार से जो अपने नज़र डाले। तो इन्हीं कारणों की वजह से अपने को लक्षण प्रकट दिखाई देंगे जिससे अपन को ये पता चलता है कि इसके अंदर अम्लीय असाधारण अपच हुई है और उस हिसाब से अपन डायग्नोसिस करके उसका उपचार कर सकते हैं। तो आगे हम अब लक्षणों के ऊपर थोड़ा नज़र डालेंगे, यानी सिम्टम्स किस प्रकार से दिखाते हैं पशु अपनी बॉडी में किस प्रकार से एक्टिविटी करता है या किस प्रकार से अपने को अलग चीज़ देखने को मिलती है जिसको अपन लक्षण बोलते हैं, वो लक्षण इस प्रकार से हैं। तो अपन लक्षणों पर अपन ध्यान देते हैं, वो है इसमें क्या होता है कि लक्षण की तीव्रता दाने के प्रकार पर निर्भर करती है। जो लक्षण है वो किस हिसाब से दिखाई देंगे वो पशु के जिस प्रकार का दाना दिया है उस पर निर्भर करते हैं कि जब इसमें दाना इस प्रकार से है कि अगर पशु को साबुत दाना देते हैं जो बड़ा दाना होता है तो लक्षण थोड़ी देरी से आते हैं, लेकिन उसी दाने को अगर दल के अपन या दलिया बना के अपन इसको पशु को देते हैं तो उसमें लक्षण या सिम्टम है जो जल्दी दिखाई देते हैं। तो इस पे क्या है कि दाने पर भी निर्भर करती है कि लक्षण किस प्रकार से प्रकट करते हैं, यानी कि अगर बड़ा दाना है तो बाजरी या गेहूं का है वो अगर दाना पूरा बड़ा है साबुत है तो जल्दी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वही अगर दाना दलिया बना के या दलावा देते हैं तो उसका लक्षण जल्दी आते हैं। अगला है कि रूमन व एबोमेजम होता है वो फूल जाते, ये जाहिर सी बात है कि अगर खाना पचा नहीं है तो इससे अपन को ये तो मालूम है कि अगर खाना पचेगा नहीं तो पशु को आपरा जरूर आएगा, तो इससे क्या था रूमन जो एबोमेजम है वो फूला हुआ नज़र आएगा, यानी कि हल्का आपरा नज़र आएगा। यही देखते हैं तो अगर भेड़ व बकरी में अगर इसकी बात करते हैं अम्लीय असाधारण अपच का अगर होता है ये लक्षण दिखाते हैं तो भेड़ व बकरी क्या करती है दांतों को धीरे धीरे या लगातार कंटिन्यूटी इस चीज़ को बनाए रखती है, यानी कि दांतों को कटकिटाता शुरू कर देती है। इस कंडीशन में भेड़ व बकरी दांतों को लगातार किटकिटाती है। और अगला जो कारण है वो इस प्रकार से है कि अगर
जो आफरा है तो उसकी वजह से क्या है कि रूमन का पीएच 5 या 5 से कम हो जाता है, उसी के साथ में जिसकी वजह से पशु को भयंकर रूप से दस्त होने लग जाते हैं। यानी कि अगला कारण है अगला लक्षण यह है कि पशु को लगातार और भयंकर रूप से दस्त होने लग जाता है, जिसमें स्वीट शोर की बदबू आती है, जो अपने पहले भी बात की थी, जिस दस्त में स्वीट शोर की बदबू आती है और पशु बिल्कुल सुस्त और कमजोर सा हो जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर पशु को खाना पचा नहीं है, जिसकी वजह से आफरा भी है और साथ में भयंकर रूप से दस्त है। दस्त नॉर्मली कंडीशन में अगर डायरिया होता है तो उतनी ज़्यादा कमजोरी जैसी बात नहीं आती, लेकिन इसमें भयंकर रूप से दस्त आती है जिसकी वजह से पशु को बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है और जिसमें बदबू आती है, तो ये ध्यान देने की बात है। और साथ ही में अगला ये है कि पशु चरना कम कर देता है तथा अधिक दस्त होने की वजह से पशु में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा दस्त होने लग जाता है तो पशु के बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि निर्जलीकरण जिसको भाषा में बोलते हैं, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। यानी कि पशु को अगर बहुत लंबे टाइम तक या बहुत तेज़ी से अगर दस्त लग रहा है तो उसमें क्या है निर्जलीकरण की अवस्था आ जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसमें पशु को पानी की कमी होने की वजह से पशु में कभी कभी चक्कर भी आने लग जाते हैं, पशु गिर भी जाता है लंबे टाइम तक या लंबी दूर तक चल नहीं सकता, तो ये ऐसी कंडीशन आने लग जाती है। इसी कारण में आगे लक्षण देखते हैं कि जो क्रोनिक होती है यानी कि चिरकालिक अवस्था में पशु को लेमिनाइटिस या गर्भपात भी हो जाता है। कभी कभी अपन देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, तो गैबिन पशु होता है जो बहने वाला होता है, इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर दस्त की वजह से, रूमन की पीएच की कम होने की वजह से और एबुमेजम या आफरा आने की वजह से, इन सब चीज़ों से क्या होता है जो लेमिनाइटिस तथा अगर अपन बोलते जो गैबिन पशु है उसमें अबोर्शन यानी कि गर्भपात भी हो जाता है। तो इन्हीं लक्षणों की वजह से पशु में अपने को ये देखने को मिलता है कि इसमें एसिडिक इंडाइजेशन हुआ है। तो ये थे कारण और लक्षण जिसको अपन ने जाँच से या प्रयोग करने के बाद में या देखने से अपने को ये महसूस हुआ कि पशु दस्त कर रहा है, आफरा भी है, दांत छोटा पशु जैसे बकरी भेड़ है दांतों को किटकिटाता है तथा दस्त है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होकर बहुत ज़्यादा सीरियस यानी बहुत लगातार दस्त कर रहा है, जिसमें स्वीट शोर जैसी बदबू है और रूमन का पीएच 5 या उससे 5 से कम हो गया है और इसमें पशु को डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन भी पनप गई है, यानी कि पशु में पानी की कमी भी हुआ है जिसकी वजह से पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, पशु चलने या दौड़ने की कंडीशन में नहीं है, डल जाए है, सुस्त होकर बैठ जाता है, कभी कभी घिन चक्कर जैसी कंडीशन भी आने लगती है और साथ ही में जो गैबिन पशु है उसमें लेमिनाइटिस या गर्भपात यानी कि अबोर्शन भी हो जाता है। तो अपने को ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन कंडीशन के होने के होते ही या ऐसे लक्षण अपने को जब भी दिखाई दे तो तुरंत ही इसका उपचार कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अपने को बहुत ज़्यादा भारी हानि या नुकसान भी हो सकता है। तो अपने को इस चीज़ सब चीज़ों को हल्के में ना लेके तुरंत से अपने तो प्रैक्टिशियन है, डॉक्टर है या कंपाउंडर है जो भी है उनको ज़रूर चेक कराएं और ज़रूर बताएं कि ये सब चीज़ें हुई है और तुरंत उसका उपचार कराएं। ये सब लक्षण और कारणों के देखते हुए अब अपन इसका आगे का जो प्रोसेस है तो अपन करते हैं किस प्रोसेस आगे जो अपन ट्रीटमेंट का या देखने की जो प्रोसेस है वो आगे की प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो आगे की प्रोसेस में है डायग्नोसिस यानी कि पशु का निदान किस प्रकार से करते हैं, ये सब चीज़ों को अपन पहले देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, किसी से पशुपालक से पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, इन सभी के आधार पर अपन उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो अब अपन लक्षणों को जानकारी लेने के बाद में अब अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस किस प्रकार से करते हैं अपन सबको मालूम है, सबसे पहले अपन डायग्नोसिस का प्रोसेस है उसके अपन सबसे पहले पशुपालक से अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। पशुपालक की हिस्ट्री लेने के बाद में अपन उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, उन सब चीज़ों को देखेंगे और रूमन का पीएच 5 से कम है तो उसकी भी जांच करेंगे, साथ ही में अपन कुछ पेशाब का भी पीएच को चेक करेंगे, उसमें भी 5 या 5 से कम आएंगे। और डायग्नोसिस में आगे अपन देखेंगे कि जो स्लाइड है उस पर अपन कुछ बूंदे यानी कि 2-3-4 बूंदे रूमिनल फ्लूड की अपन डालेंगे तो अपन उसमें क्या पाएंगे कि रूमिनल फ्लूड के डालने पर जो स्लाइड में अपन नज़र देंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे यानी कि सूक्ष्मदर्शी या जिस किसी यंत्र से अपन अगर उसको चेक करेंगे तो उसमें क्या पाएंगे
कि जो रोमन के अंदर जो प्रोटोजोआ की संख्या होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं रोमिनल प्रोटोजोन, उन रोमिनल प्रोटोजोन की संख्या अपने को कम नजर आएंगी। तो ये थे जिसके जांच करने की तरीका। और अपन अगला डायग्नोसिस में कि उसका क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे, यानी कि लक्षणों के आधार पर उसका अपन निदान करेंगे या देखेंगे लक्षणों के आधार पर। तो सबसे पहला था हिस्ट्री के आधार पर, फिर लक्षणों के आधार पर हो गया, और उसमें रोमन और पेशाब के पीएच अगर वो दोनों हैं वो 5 से कम है, और साथ में एक टेस्ट भी किया जिसमें टेस्ट करने पर अपन को ये पाया कि इसमें रोमिनल प्रोटोजोन्स है उनकी संख्या भी थोड़ी कम है, जिस संख्या में होनी चाहिए वहाँ पर ना होके वो संख्या कम है। यानी कि स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड पर अपन रोमिनल फ्लूड है, जो रोमन का फ्लूड बोलते हैं, जिसे कट बोलते हैं, उस रोमिनल फ्लूड को की बूंदें उस स्लाइड पर डाल के स्लाइड को अपन जैसे ही माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के पास ले जाते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी में जैसे ही अपन उसको देखते हैं तो उसमें अपने को क्या पाते हैं कि जिस कंडीशन की संख्या होनी चाहिए जो रोमिनल प्रोटोजोआ होती है वो ना देख कर घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है, तो अपन क्या देखते हैं रोमिनल प्रोटोजोआ की संख्या भी कम है। तो ये था डायग्नोसिस। अब डायग्नोस और लक्षण और कारणों को देखते हुए अपने को पशु का उपचार करना है। तो उपचार कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि इन उपचार को ट्रीटमेंट में अपन को 3 प्रोसेस अपनानी है। तो सबसे पहली प्रोसेस है कि रोमन की जो पीएच है उसको बिल्कुल मेंटेन करना, यानी सही क्रम में लाना। दूसरा है जो ब्लड में इलेक्ट्रोलाइटिस जो उपस्थित है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिस जो है कम है वो कम है, उसकी भी पूर्ति अपने को करना है। तो बात क्या है कि जो रोमन का पीएच है उसको सही कंडीशन में यानी मेंटेन करना, साथ में ब्लड में जो उपस्थित इलेक्ट्रोलाइटिक्स है उनकी पूर्ति भी करना, और साथ में क्या है कि आमाशय के चारों भागों में या आंत के साधारण मोटिलिटी है उसको वापस अपने को बनाना है। यानी कि जो रूमन का मूवमेंट है या इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उनकी जो मोटिलिटी है, जिस हिसाब से गति करते हैं या जिस हिसाब से चलते हैं, उन सब चीज़ों को वापस मेंटेन करना है, यानी सही करने का प्रयास भी करना है। तो ये थे 3 प्रोसेस जिसको अपने को फॉलो करके इसका पशु का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बताते हैं उपचार के अंदर कि पशु को दाना देना तुरंत बंद कर दें। जो दाना अपन पशु को दे रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, चाहे दलिया हो चाहे वो साबुत हो, उन तुरंत बंद कर देना चाहिए, और केवल पशु को सूखा चारा खिलाना। इस कंडीशन में क्या होता है कि सूखा चारा को ही खिलाना चाहिए, ना कि दाना या दलिया कुछ दें। तो सबसे पहला काम हो गया दाना है उसको, और इस कंडीशन में अगर है तो जिसमें रोमन में आफरा अभी आया हुआ है, तो 12 से 24 घंटे तक पशु को बिल्कुल पानी नहीं पिला। तो इससे क्या होगा, रोमन की जो फ्लूड भरा हुआ है या फ्लूड ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आफरा भी कम होगा। और आगे अपन देखते हैं कि जब ऐसी कंडीशन में एसिडिक इंडाइजेशन में अपन ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं करके सबसे पहले अपने को क्या हुआ कि इसमें डायरिया हुआ है, तो डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ, सबसे पहला काम होता है अपना डिहाइड्रेशन को रोकना, यानी कि डिहाइड्रेशन जो पानी की कमी हुई है या ग्लूकोज जिसकी वजह से घट गया है उन सब चीज़ों को वापस करना। तो सबसे पहले हम पशु को रिंटोस जो 100 या 100 से लेकर 1000 ml तक अपने को IV रूट से लगाना, यानी कि IV रूट है जो है रिंटोस उसको भी अपन चढ़ाना है पशु को, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या है वो दूर हो, डिहाइड्रेशन कम हो। और दस्त के लिए डिहाइड्रेशन के साथ अपन में इंजेक्शन लगाएंगे जो है सल्फाडिमाइडिन इंजेक्शन, जो 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, या अगर इंट्रामस्कुलर नहीं लगा रहा अगर फ्लूड में ही चढ़ाना है तो अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 ml के साथ में 15 से 20 ml सल्फाडिमाइडिन साथ में मिला के इंट्रावेनस यानी कि IV जो फ्लूड चढ़ा रहे हैं उसके अंदर भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से IV चढ़ाने से क्या होता है उसका असर जल्दी हो। तो दस्त को रोकने के लिए सल्फाडिमाइडिन भी लगाते हैं, और साथ में क्या होता है 5% सोडियम बाई कार्बोनेट है उसकी भी, यानी कि 5 लीटर से लेकर 450 kg बॉडी वेट तक अपन उसको IV भी चढ़ाना है, जो है सोडियम बाई कार्बोनेट उसको IV रूट से देना है। और साथ ही में क्या है कि 500 ग्राम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको 450 kg बॉडी वेट पे के हिसाब से 3 से 3.5 लीटर तक पानी में घोल के 3 दिन तक पशु को लगातार पिलाएं, जिससे क्या है कि जो डिहाइड्रेशन की कमी है, जो दस्त हो रहे हैं वो सब एक जल्दी से कंट्रोल में आ जाए। और साथ ही में अगर बाय चांस ना हो, तो अगर ऐसी कंडीशन में पशु फिर भी ठीक ना हो, तो सबसे पहला काम है, सबसे लास्ट और आखिरी इलाज यही है कि
कि उसका रूमेनेटोमी यानी कि शल्य चिकित्सा ही करवाना ही चाहिए। तो ये चीज़ें थी कुछ इसके बारे में। अब इसके बारे में कुछ नियंत्रण कंट्रोल किस हिसाब से करें कि 50-60% है जो रफेज चारा है वो खिलाएं और 40-50% ही है तो बड़ा पशु है तो उसको दाना खिलाएं, वो भी दलने के बाद में, और वो दोनों 7-10 दिन तक ही खिलावें। और साथ ही में जब भी पशु को बांट या चारा दे तो उसके अंदर मिनरल मिक्सर का जरूर उपयोग करें, जिससे ये सब जो एसिडिक इंडाइजेशन है ये कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये थे एसिडिक यानी कि अम्लीय असाधारण अपच जिसके बारे में हमने जानकारी ली। जय हिंद, जय भारत।